3, 2, 1. Hello guys. So after long time मैं अपना ना दूसरा व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ, तो जिसमें हम अभी एक रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं जहाँ पे मैंने अभी नवरात्रि खेलने जा गई थी। तो वहाँ से मुझे ना एक कूपन मिला था जो कि नांदोलास किचन का था। तो अभी हम वहाँ पे वो रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं, नांदोलास किचन पे। ये देखिए, ये ना रेस्टोरेंट का बैनर है, नांदोलास किचन। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो अभी हम ना डिनर का वेट करते हैं, देखते हैं हमारा डिनर कब आने वाला है। ये देखिए, ये वो कूपन है जिसमें दिया हुआ है कि ऑर्डर लिमिट अप टू 300 फ्रॉम मेनू वन टाइम यूज़ 40% ऑफ। मतलब हम लोग 300 तक का ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें हमें 40% तक का डिस्काउंट मिला है। तो आज हम ना वो कूपन जो है ना वो चलाने के लिए आए हुए हैं रेस्टोरेंट पे। तो चलिए, हमने क्या ऑर्डर किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ना वो मेन्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ का मेन्यू है, ये और ये जो यहाँ पर स्टार्टर दिया हुआ है, ये सब्जियाँ दी हुई है, फिर ये स्पेशल दिया हुआ है संडे का, फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ। हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है पहाड़ी पनीर टिक्का और यहाँ से फास्ट फूड में से चॉकलेट चीज़ सैंडविच। तो अभी हम लोग ना उसका वेट कर रहे हैं। A few moments later. So we are so excited about dinner. कब आने वाला है हमारा डिनर, हम लोग वेट कर रहे हैं। और मुझे तो ना ऑर्डर किया तब से मुँह में पानी आ रहा है, देखते हैं। A few moments later. So finally guys, हमने जो वेट कर रहे थे ना हम लोग डिनर के लिए, वो तो कैंसिल हो गया एक्चुअली। बट हमने कुछ दूसरा ऑर्डर किया है, अभी सब्जी रोटी खाने का ऑर्डर किया हुआ है। तो पनीर लबाबदार और तवा रोटी हमने ऑर्डर किया हुआ है, और एक चॉकलेट सैंडविच, जो हमारी चॉकलेट सैंडविच है वो आ गई है। तो चलो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रही हमारी चॉकलेट सैंडविच, चॉकलेट चीज़ सैंडविच। देखो, इसमें ब्रेड के अंदर बहुत सारा चीज़ और चॉकलेट डाला हुआ है, और इसका मुंह जो है ना वो चल रहा है, देखो इतना सारा चीज़ देख के। तो अभी हम ये खाते हैं। वैसे चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे सैंडविच भी अच्छी लग रही है, चॉकलेट सैंडविच भी, क्योंकि चॉकलेट मेरी फेवरेट है। तो चलो अभी हम वीडियो को स्टॉप करके ना हम अपना डिनर जो है ना वो पहला वो ये फास्ट फूड वाला वो खा लेते हैं। A few moments later. So guys, ये हमारा आ गया है पनीर लबाबदार और तवा रोटी, और ये है खट्टा वाला मेरा फेवरेट अचार, और ये दो प्लेट आ गई है, दो चम्मच आ गई है, और हमारा कोल्ड ड्रिंक भी आ गया है यहाँ पे। वैसे दिखने में तो इस ये सब्जी की ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं हम अभी खा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ना चीज़ चॉकलेट सैंडविच खा ली है, तो हमारा पेट वैसे ही भर गया है। तो अभी हम ये ना सब्जी अपने सर्व कर लेते हैं, और अभी हम खाते हैं अपनी सब्जी और रोटी। दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये देखिए, हमारी ये छाछ भी आ गई है, बटर मिल्क विथ जीरा पाउडर। सो गाइस, अभी हम खाना शुरू कर रहे हैं, देखिए।
बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है इसका, एकदम मस्त है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार यहाँ पे आके ना आप एक बार विजिट करने जैसा है यहाँ पे, एक बार आप रुकेंगे तो वापस से आपको आने का मन करेगा। A few moments later. So, अभी हमारा डिनर तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी यहाँ का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यहाँ के जो है ना ओनर, वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। सर आप बताएंगे कि आपका मेन, तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट शू छे यार? हमारा कॉन्सेप्ट लोगों ने ऑथेंटिक फूड चखाड़वाना छे। हमें पंजाबी चाइनीज फास्ट फूड बधु बनावीए छीए, पण ओरिजिनल वेमां बनावीए छीए, ने मेक्सिमम अमारी देशी खेती बनावीए छीए। एटले આજે કોઈ પણ પંજાબી શાક છે કે ફાસ્ટફૂડમાં વડાપાઉં છે કે અમારા ફરાળી પાસ્તા છે, ઓથેન્ટિક રીતે આજ તમને જે ખરેખર આ જો વડાપાઉં છે તો એ બોમ્બે ઓરિજિનથી છે, તો બોમ્બે ઓરિજિનથી હોય તો ત્યાંનો જે ટેસ્ટ છે, ત્યાંના વડાપાઉં છે, એ વસ્તુ પોરબંદરમાંથી એવા છે। પાસ્તા છે તો પાસ્તા જે વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા બધે મળે છે, પણ અમારા વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા ફરાળી છે। અમે જે પાસ્તા વાપરીએ છીએ એ ફરાળી છે, પનીર ચીઝ બધું ફરાળી હોય, એટલે કંઈક જે પોરબંદરમાં અલગ વસ્તુ આપવાની ટ્રાય કરી, યુનિક। હા ઓકે, થેન્ક યુ સર। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा ना अभी कि सर ने अभी बताया कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि हर एक जगह का ओरिजिनल फूड जो है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी उन लोगों का स्टार्टिंग ही है, लेकिन बहुत ही टेस्टी फूड था। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर आके ना आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी फूड था। ओके, सो हमारा व्लॉग अभी यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।